वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मागर्म वीडियो नीट के लिए। फेहलिंग्स टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है ये। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी डिस्टिंग्विश कर देगा, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, एज वेल एज कीटोन और एल्डिहाइड में, और फिर एरोमेटिक एलिफेटिक में भी डिस्टिंक्शन करेगा। तो फेहलिंग्स टेस्ट में क्या होने वाला है? फेहलिंग्स रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी, दो हैं इसके अंदर। तो फेहलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूशेल साल्ट। ध्यान होगा तो है, दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे टेस्ट से पहले। On heating an aldehyde with phalanx reagent, a reddish brown precipitate is obtained. Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. तो aromatic aldehyde do not respond to this test. ही क्लियर कट है। ये aldehyde है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉपर सल्फेट से निकला हुआ कॉपर, ये एल्कलाइन कंडीशन है, ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोऑक्सीलेट एनायन Cu2O, रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ बन गया। ये इंडिकेट करेगा कि हमारा एल्डिहाइड है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है और वो कीटोन भी नहीं है, तो ये हमारा फेहलिंग टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। रेड ब्राउन पीपीटी हमें देखने को मिलेगी। तो टेस्ट ट्यूब में करते हैं ये, और वहाँ हमें पीपीटी मिलती है रेड ब्राउन, तो हम कह देते हैं कि भाई ये एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव है, लेकिन वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। ये था फेहलिंग्स टेस्ट, बहुत कॉमन टेस्ट है केमिस्ट्री का, और याद रखने वाला है कि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ सकता है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी पर नीट ग्रोजी, इस पर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।